बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। ईवीएम पर फिर उठ रहे हैं सवाल। मायावती ने की बैलेट पेपर की मांग। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव 2024 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बदले पहले की ही तरह बैलेट पेपर यानी मतपत्रों के जरिए होगा? क्या ईवीएम अपनी निष्पक्षता तेजी से खोती जा रही है? क्या विपक्षी दल एकजुट होकर ईवीएम को हटाने और कागज से बने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए देश में सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की है। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं। अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। याद दिला दें कि इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी की हार के बाद उसका ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ा था और कहा था कि घपला कर उनकी पार्टी को हराया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भी चुनाव के बाद सभी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव कराने की मांग रखी थी। मायावती के ताजा बयान के बाद एक बार फिर ये मुद्दा उठ गया है। एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग किए जाने की संभावना जोर पकड़ने लगी है। लेकिन सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग इसके लिए राजी होगा?